हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है, मेरे यूट्यूब चैनल ए टू द करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आऊँ एक स्पेशल कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस 2005 के पेपर के, यूपी पीजीटी का जो 2005 में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ स्पेशल। तो मेरे साथ तैयार हो जाए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। 125 क्वेश्चन का पेपर आया था, इससे आपको आइडिया हो जाएगा भाई किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से हमें तैयार करने हैं, ये सब पता लगेगा। कंफर्म सिलेक्शन स्ट्रेटजी फॉर 2005 पेपर, 2005 के पेपर के बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश मैराथन नंबर 19, 19वीं मैराथन क्लास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से कवर करने हैं और इन राइटर्स का जन्म कब हुआ। विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए, 1616 में मर गए, 3 दिन पहले मर गए, अपना 60वां, वो अपना 50वां बर्थडे मनाने से पहले 51 साल की उम्र में मर गए विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 में। अच्छा, विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ डेथ एक ही है, 23 अप्रैल को मरे थे दोनों महान पोएट। जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुए और 1674 में मरे, 1608 1674 लगभग 66 साल के ये जिए, लगभग 66 साल। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत साल जिए, लगभग 80-81 साल वो जिए हैं, 81 में लग गए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। 1770 थे 1850 तक, पोएट लोरेट भी बने थे। चार्ल्स लैम 1775 से 1834 तक जिए, 1775 से, इन्हें ग्रेटेस्ट एसेइस्ट भी कहा जाता है। जॉन केट्स मात्र 25 साल जिए, 1795 से 1821 तक। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 से 1892 तक जिए और ये सबसे लंबे समय तक 42 साल तक पोएट लॉरेट रहे हैं। देखो जो इनके नाम है ये भी पूरे याद रखेगा, चार्ल्स जॉन हुफाम डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स का पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हुफाम डिकन्स, 1812 से 1870 तक, 12 से 70 तक लगभग 58 साल ये जिए। वाल्टर व्हाइटमैन 1819 से 1892 तक जिए, वाल्ट व्हाइटमैन के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिकन पोएट हैं, बड़े फेमस पोएट रहे हैं। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 से, मैथ्यू अर्नोल्ड 1888 तक जिए हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड। फिर थॉमस हार्डी 1840 से 1928 तक जिए हैं, लगभग 88 साल के मरे हैं। जॉन गाल्सवर्थी 1867 से 1933 तक, ये भी लगभग 66 साल के। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 से 1963, 1874 से 1963 रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। थॉमस स्टर्न्स इलियट, जिन्हें टी एस इलियट के नाम से जानते हैं आप, 1888 से 1965 तक जिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे 1899 से 1961 तक, 62 साल की आयु तक, और इन्होंने सुसाइड किया था। विलियम कथबर्ट फॉकनर, विलियम फॉकनर के नाम से जानते हैं, विलियम कथबर्ट फॉकनर 1897 से 1962, हेमिंगवे और फॉकनर की लगभग एज एक ही थी ये माने। मुल्क राजानंद 1905 में पैदा हुए, 2004 में मरे। निसिम इचकिल 1924 में पैदा हुए, 2004 में मरे, यानी मुल्क राजानंद निसिम इचकिल दोनों 2004 में। कमला दास 1934 से लेकर 2009 में, 1934 में पैदा हुई, 2009 में इनका निधन हुआ। ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग करने हैं। अब यहाँ पे हम यूपी पीजीटी का 2005 का पेपर डिस्कस करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रेफरेंस इन अस ड्वेल, इन विच पोएम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड द अबव कोटेड लाइन। नॉलेज को ग्रो होने दो और हमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इसे डेवलप करने दो, ये बात टेनिसन ने किस पोएम में कही थी, ये उन्होंने कही थी इन मेमोरियम में। इन मेमोरियम एक एलजी इन्होंने लिखा था, ए एच एच के लिए भी कहा जाता है, आर्थर हेनरी
हेलम के लिए, तो इनके मित्र भी थे दोस्त भी थे, आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखी थी और इनके रिलेशन में भी थे, जीजा लगते थे। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी में भी आपको बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फ्यूरियस कैरेक्टर इन फैगिन्स डेन इन डिक्कन्स ओलिवर ट्विस्ट। डिक्कन ओलिवर ट्विस्ट में आपने देखा होगा फागिन का एक गैंग होता है, यानी फागिन की मांद में एक फ्यूरियस कैरेक्टर कौन था, है ना, जो ओलिवर ट्विस्ट में बच्चों को ये अपराध कराते हैं, पिक पॉकेटिंग सिखाते हैं। ये था बिल स्कीज। बिल स्कीज रिफ्लेक्टेड द सोशल इशू और बिल स्कीज एक फ्यूरियस कैरेक्टर था। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टाफ हेनरी फिफ्थ में, हेनरी एडवर्ड रिचर्ड, हेनरी एडवर्ड, किंग एडवर्ड रिचर्ड, ये हिस्ट्री लिखी है विलियम शेक्सपियर ने, और जॉन फॉलस्टाफ हेनरी फोर्थ में जो कैरेक्टर थे, ये एक कैरिकेचर कैरेक्टर थे। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स पे लाइन डालता है। जॉन फॉलस्टाफ को ह्यूमरस पर्पस से रखा गया था इसमें, और ये एक कैरिकेचर था। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस या कॉर्नेलियस अपीयर। वोल्टीमैन और कॉर्नेलियस कौन से कह उसमें है, मच अडू अबाउट नथिंग में, मच अडू अबाउट नथिंग में कैरेक्टर मिलते हैं। कैरेक्टर वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर्स इन द प्ले मच अडू अबाउट नथिंग, पोर्टिया एंड साइलोक, मर्चेंट ऑफ वेनिस के। आपको ध्यान होगा पोर्टिया और शाइलॉक के बारे में पूछ लिया जाता है। पोर्टिया मर्सी वाला जो एपिसोड है कि मर्सी के लिए कहती है कि ये स्वर्ग से आई हुई बूंद है जो देने और लेने दोनों को आशीर्वाद देती है, पोर्टिया शाइलॉक के लिए जब दया की भीख मांगती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और वोल्टेमॉन और कॉर्नेलियस मच अडू अबाउट नथिंग के हैं। हेमलेट क्लोडियस ओफेला, हेमलेट क्लोडियस ओफेला हेमलेट के कैरेक्टर हैं। गर्ट्रूड हेमलेट की माँ थी और हेमलेट को डेनमार्क में लिखा गया है, ये भी साथ साथ याद रखिएगा। किड्स पोएट्री इज एबंडेंटली एंड एंशेंटली सेंसुअस, हु हैज मेड दिस कमेंट अबाउट द पोएट्री ऑफ किड्स। की पोएट्री के बारे में कहा था एबंडेंटली एंशेंटली, ये सेंसुअस है, ये बात कही थी एच डब्ल्यू गैरोड ने। कीट्स को सेंसुअसनेस और ब्यूटी का पोएट कहा जाता है। और एसे इन क्रिटिसिज्म, डब्ल्यू एसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू एर्नोल्ड ने शायद लिखा था, एसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू एर्नोल्ड ने लिखा था कीट्स के लिए। तो इसे सही कर लीजिएगा आंसर को, इसका मैथ्यू एर्नोल्ड सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेबल्स इन शम शडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सेंट्स। ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी सोलिटरी रीअपीयर्स में। दीज लाइन टेकन फ्रॉम सोलिटरी रीअपीयर्स इन विच पोएट शोज हाउ द नेचर इज सिंपेथेटिक टू द बॉय इन हिज सफरिंग। वर्ड्सवर्थ वॉज ए ग्रेट रोमांटिक पोएट एंड एवरी ट्रेट ऑफ रोमांटिज्म कैन बी सीन इज पोएट्री। रोमांटिज्म की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट व्हिटमैन मेक्स ए रेफरेंस टू स्वेज कैनाल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। अटलांटिक में स्वेज कैनाल और वायर लाइन अक्रॉस का वॉल्ट व्हिटमैन ने जिक्र किया था किस पोएम में। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, इन्होंने अब्राहम लिंकन के ऊपर भी पोएम लिखी थी ओ कैप्टन माई कैप्टन, जिसमें उन्होंने ये लाइन कही थी स्वेज कैनाल के बारे में, ओ कैप्टन माई कैप्टन। वॉल्ट व्हिटमैन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंकन, अब्राहम लिंकन के मरने के ऊपर ये पोएम लिखी थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोएम ऑफ इलियट पब्लिश वॉल्यूम ऑफ वर्स। टी एस इलियट, थॉमस
स्टर्न एलियट, इनकी पहली पोयम थी द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड परफ्रॉक या परफ्रॉक, ये मॉडर्न राइटर्स कहे जाते हैं और इनके राइटिंग में सब कुछ नई चीजें मिलती हैं। द टर्म एससी इज डेराइव्ड ऑफ फ्रेंच रूट ईसाई, ईसाई से बना हुआ वर्ड है। मोंटेग्नी ने एससी को सबसे पहले ड्राइव किया था, बनाया था। इसका मतलब था टू ट्राई, यानी अपने विचारों को एक्सप्रेस करना। ईसाई का मतलब फ्रेंच रूट है ईसाई, ईसाई ईसाई नहीं ईसाई। टू ट्राई, एसे इज अ शॉर्ट कंपोजिशन इन पोएट्री इन विच ए पर्सन डिस्कस ए मैटर एंड एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचारों की ट्राई करता है दर्शाने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने रग्बी चैपल में किसको याद किया? रग्बी स्कूल, ये मैथ्यू अर्नोल्ड रग्बी स्कूल में पढ़े थे, मैंने आपको बताया था। और रग्बी चैपल इन्होंने अपने फादर के लिखा था, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल भी रही हैं। डेथ ऑफ हिज फादर, रग्बी चैपल अपनी माँ को लिखा था मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने पापा की क्वालिटीज के बारे में। एक पोएट्री है जो अपने पापा के लिए, द सिड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल, द सी आई डी सिड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल, ये ऐसे किसने लिखा था? ये ऐसे लिखा था चार्ल्स लैम ने। चार्ल्स लैम को एसे ऑफ इलिया के नाम से भी जाना जाता है, ये इलिया के नाम से लिखा करते थे। में लव और वार दोनों के बारे में लिखा था मैन एट वार, लव एंड वार के बारे में, दोनों के बारे में लिखा, ये एक एसे है इनका। मैन एट वार 1942 में उन्होंने पब्लिश किया। द एनालॉजी वॉज दैट ऑफ द कैटलिस्ट व्हेन टू गैसेस previously mentioned are mixed in the presence of filament of platinum, they form sulfurous acid. The acid contains no trace of platinum and platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, neutral, unchanged. The mind of poet is the shred of platinum. Platinum ka mind hota hai, kisi bhi reaction se kisi bhi cheez mein dalo platinum pe koi farak nahi padta, ऐसे ही पोएट के माइंड को कहता है, इस तरह से वर्क करता है। ये टी एस इलियट के कौन से एस्से में बात कही गई है? टी एस इलियट के ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये बात कही है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये बात कही है। पॉइंट आउट द फिगर स्पीच ऑफ द लाइन, द प्लोमैन होमवर्ड्स प्लोड्स हिज वियरी वे, प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वियरी वे, अपने दिन को ख़त्म करने के बाद प्लोमैन अपने घर की ओर जा रहे हैं, है ना। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ट्रांसफर एपिथर। ट्रांसफर एपिथर क्या होता है? ट्रांसफर फ्रॉम इट्स पावर प्रॉपर वर्ड टू दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन द सेंटेंस। हियर द वर्ड वियरी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लॉट्स टू द वे, रस्ते के लिए ट्रांसफर कर दिया गया वियरी। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? शेक्सपियर के हैमलेट में इनमें से कौन सा कैरेक्टर? टीडियस वेसिकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, एक ऐसा बंदा जिसने अपनी कब्र खुद ही खोद ली, एक तरह से अपना कब्र बना ली। ये किसके बारे में कहा गया था? ये हैमलेट के चाचा क्लोडियस के बारे में कहा गया था। गर्ट्रूड उनकी माँ थी और उन्हें मार दिया था, क्लोडियस को माँ हैमलेट ने ही मारा था, हैमलेट खुद भी मारा था, और हैमलेट की माँ से शादी कर ली थी, उसके बाप को मार के क्लोडियस। हु रोट सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब और रुस्तम किसने लिखी थी? ये किताब भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है, विक्टोरियन टाइम के राइटर कहलाते हैं। सोहराब को एक ब्रेव बहादुर लड़का कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड। हु प्रेज शेक्सपियर दस, अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन, दो आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क, दो स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। हम दूसरों के क्वेश्चनों से बंधे हैं, इसमें आर्ट क्या है हम पूछते हैं, पूछते रहते हैं, लेकिन वो तो मुस्कुराता है, उसकी आर्ट तो आर्ट है। शेक्सपियर के बारे में ये बात किसने कही थी?
ये भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही कही थी। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ओन शेक्सपियर पोयम में मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही। थायरेसिस पोयम किसके ऊपर लिखी थी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने आर्थर हुग क्लो, उनके जो मित्र थे, उनके ऊपर लिखी थी थायरेसिस पोयम, और अपने पिता के ऊपर लिखी थी रग्बी चैपल। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही लिखी है। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 में पैदा हुए, 1888 में मर गए, और ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में कार्य किया करते थे। इनके पिता थे थॉमस अर्नोल्ड, जो रग्बी स्कूल के मास्टर थे, और थॉमस अर्नोल्ड ने अपने पिता की मृत्यु पे रग्बी चैपल नाम का एक पोयम टाइप लिखा था, फ्रेज लिखा था, रग्बी चैपल सरमंस। मैथ्यू अर्नोल्ड को एक संत राइटर कहा जाता था, सेज राइटर, क्योंकि ये उस समय के सोशल इशू को उठाया करते थे। लेक पोएट में माने जाते हैं इंग्लिश पोएट हु लिव्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड 19th सेंचुरी के आसपास। लेक पोएट जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज और आपका चार्ल्स लैम्ब, ये सारे के सारे, रॉबर्ट सूदे, इसके अलावा डोरथी वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, मैरी लैम्ब, चार्ल्स लिलॉयड, हार्टले कॉलरिज, जॉन विल्सन और थॉमन डी क्विंसी भी लेक पोएट कहलाए जाते हैं। एस टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ को तो रोमांटिज्म की शुरुआत का कवि माना जाता है कि रोमांटिज्म इन्होंने शुरू किया, और रॉबर्ट सूदे भी विलियम वर्ड्सवर्थ से पहले पोएट लॉरेट रहे हैं इंग्लैंड के, वो भी काफ़ी फेमस कवि। मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम क्रोमवेल 1843 में न्यूडीगेट प्राइज जीता था। अर्नोल्ड ने इसका एक सेकेंड वॉल्यूम निकाला था 1852 में, एम्पीडोकल्स ऑन एटना, एम्पीडोकल्स एंड एट। 1853 में उन्होंने एक नया एडिशन पब्लिश किया था, एम्पीडोकल्स ऑन एटना, और सोहराब रुस्तम और स्कॉलर जिप्सी, ये तीनों भी मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं। 1854 में इन्होंने सेकेंड सीरीज निकाली थी बाल्डर डेड। बाल्डर डेड एक पोयम का कलेक्शन था, नहीं पोयम का। मैथ्यू अर्नोल्ड ऑक्सफोर्ड में पोएट्री के प्रोफेसर भी रहे हैं 1857 में, एंड ही वाज फर्स्ट इन दिस पोजीशन टू डिलीवर हिज लेक्चर इंग्लिश रेदर देन लैटिन। ऑक्सफोर्ड में लैटिन में पढ़ाई होती थी, लेकिन ये पहले बंदे बोले जाते हैं जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चर देना शुरू किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1857। ही सेल्फ पब्लिश द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस, उन्होंने खुद एक पब्लिश की थी पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस 1861 में, और डेमोक्रेसी भी उनका एक क्लासिक वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉवल ऑफ डिकेंस वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, कौन सा नॉवल अनफिनिश्ड रह गया था, चार्ल्स डिकेंस पूरा नहीं कर पाए थे? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड उनका इनकम्प्लीट रह गया था। निसिम इचकिल की पोयम बैकग्राउंड कैजुअली, क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है? हिज लव फॉर रिलीजन, रिलीजन के प्रति यानी धर्म के प्रति उनका प्यार प्रदर्शित करती है। निसिम इचकिल मुंबई में 1924 में पैदा हुए, रियलिज्म को बहुत सपोर्ट करते थे। बैकग्राउंड कैजुअली थ्रो लिटिल ऑन लव और रिलीजन, और पोयम 60 में उन्होंने लव और सेक्स के ऊपर भी लिखा। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ लाइफ सोरो सिट एंड वीप, लाइफ में दुख बैठ जाता है और रोता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परसोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण करना, मानवीकरण हो जाना, परसोनिफिकेशन। फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंग्वे नोवल ए फेयरवेल टू आर्म्स, एक ड्राइवर थे फ्रेडरिक हेनरी, फेयरवेल टू आर्म्स में
और हेमिंग्वे ने अपने ऊपर लिखा था, क्योंकि वो भी ड्राइवर रहे थे, इटालियन आर्मी के थे, लेकिन वो इटली में ओरिजिनली, हेमिंग्वे इटली में रेड क्रॉस के ड्राइवर थे। फ्रेडरिक हेनरी, उसका एक मेन कैरेक्टर उन्होंने बनाया था अपने ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ अनवैंक्विश्ड? अनवैंक्विश्ड किसने लिखी है? अनवैंक्विश्ड लिखी है विलियम कथबर्ट फॉकनर। विलियम फॉकनर के नाम के बीच में कथबर्ट आता है। अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और ये 1897 में पैदा हुए थे मिसिसिपी अमेरिका में। अनवैंक्विश्ड मैथ्यू कथबर्ट फॉकनर ने लिखी। सेंटियागो हेमिंग्वे के किस नोवेल का हीरो था? सेंटियागो, ओल्ड मैन एंड द सी। एक मछली को पकड़ लेते हैं और वो बहुत ही ज्यादा वजन से बड़ी होती है, जैसे शिप में नहीं डाल पाते, तब उसे साइड में लगा के खींच के लेके आते हैं, तो शार्क हमला कर देती है और शार्क आधी से ज्यादा मछली को खा जाती है। ओल्ड मैन एंड द सी नेचुरलिस्टिक नॉवल बोला जाता है, मात्र 8 हफ्ते में कहते हैं इन्होंने ये लिख दिया। व्हाट वाज द ओरिजिन रेस ऑफ निसिम इश्किल? निसिम इश्किल थे दर्विडियन, वैसे तो ज्यूस थे, दर्विडियन का कहा जाता है इनको ज्यूस। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने अपना फार्म न्यू इंग्लैंड से बेच लिया था और इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे कब? ये थी बात 1912 की। 1912 में उन्होंने बेच के इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। शैले को परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा? शैले को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है मैथ्यू एर्नोल्ड ने। हु कॉल्ड शैले ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड? मेरे ख्याल से इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये स्विनबर्न ने कहा है। एक मिनट को जरा देख ले, एक बार चेक कर ले। ये थोड़ा तो मैं चेक करके बताऊंगा आपको। मुन्नू एक कैरेक्टर था मुल्क राज आनंद के नोवेल का, कौन से नोवेल का था? मुन्नू, मुन्नू था कैरेक्टर कुली का, 14 साल का लड़का, 14 साल का लड़का था मुन्नू, जो काम करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखता है। हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन? किसने कहा था पोएट एक आदमी होता है जो दूसरे आदमी से बात करता है? दैट इज कॉल्ड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने व्यू दैट द पोएट शुड यूज कन्वर्जेशनल लैंग्वेज इन हिज वर्क, ही बिलीव्ड इन स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग। उनका स्पॉन्टेनियस फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द रोमांटिक पोएट्री इज द रिवाइवल ऑफ वॉट? रोमांटिक पोएट्री को किस चीज का रिवाइवल माना जाता है? रोमांटिक पोएट्री इज रिवाइवल ऑफ क्लासिज्म। द रोमांटिक पोएट्री इज द रिवाइवल ऑफ क्लासिक पोएट्री। द फर्स्ट रोमांटिक पीरियड वॉज एलिजाबेथन ईरा। बिटवीन टू पीरियड देर वॉज ए लॉट ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी। एलिजाबेथन पीरियड विलियम शेक्सपियर के टाइम का है और सोसाइटी में काफी चेंज आ गई थी, और 1798 में लिरिकल बैलेड आने के बाद ये रोमांटिज्म में चेंज हुआ था, तो दुनिया बदल गई थी एक तरह से कह सकते हैं। द डांस ऑफ यूनक, यूनक का डांस किसने लिखा था? ये कमलादास ने लिखा था। यूनक जो होते हैं वो धूम में रहते हैं, चांदी के गहने पहनते हैं, हाई मेकअप करते हैं, तो उनकी व्यथा लिखी थी कमलादास ने, एक रिवोल्यूशनरी पोएट के रूप में जानी जाती है। हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड?
फ्रोस्ट का फोर, फ्रोस्ट से मैंने आपको कहा था फोर याद कर लो, चार अवार्ड जीत चुके हैं, 24, 31, 37, 43, 24, 31, 37, 43, 44, ये चार पुलिजर, ये तो पहला तो 7 साल का गैप है, फिर 6 6 साल का गैप है, चार पुलिजर पुरस्कार मिले हैं रॉबर्ट ली फ्रोस्ट को, अकेले हैं ऐसे पोएट जिन्हें चार पुलिजर पुरस्कार मिले। द रेस्ट इज साइलेंट, दीज आर द लास्ट वर्ड्स और बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस नोवल में ये लाइन है, द रेस्ट इज साइलेंस, बाकी सब ठीक है, शांति ही आराम है, साइलेंस चुप रहना ही आराम है, अगर आप चुप रहेंगे तो आराम से रहेंगे। दैट इज कॉल्ड हेमलेट, हेमलेट में कही थी, व्हेन हेमलेट द हीरो ऑफ द प्ले वाज ऑन हिज डेथ बेड ही स्पोक दीज वर्ड्स टू होरेशियो, होरेशियो अपने मित्र को कही थी पांचवे एक्ट में, पांचवे सीन में, द रेस्ट इज साइलेंस, चुप होने पे आराम मिल जाता है। द याम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, याम्बिक पेंटामीटर किसको अप्लाई करता है, दैट इज फाइव सिलेबल इन द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, याम्बिक पेंटामीटर, पेंटा से पांच है, ईच फुट टू सिलेबल ऑन विच द फर्स्ट इज अन असेंटेड बट द सेकेंड इज असेंटेड, इफ देयर आर 5 फीट इन ए लाइन इट विल बी नोन एज पेंटामीटर, 5 फीट जिसमें हो वो पेंटामीटर कहलाता है। विच वर्क ऑफ लेफ्ट इनकम्प्लीट हेमिंग्वे सडन डेथ, हेमिंग्वे की सडन डेथ होने के बाद कौन सा वर्क इनकम्प्लीट रह गया था हेमिंग्वे का, द गार्डन ऑफ ईडन, द ईडन गार्डन नहीं, द गार्डन ऑफ ईडन उनका इनकम्प्लीट वर्क रह गया था हेमिंग्वे का। द रिटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड ऑफ सक्सेसिव सेंटेंस प्रॉपर, पहला वर्ड जो सेंटेंस का जो का तू रिपीट हो जाना, वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लासेस, और आगे आने वाले सेंटेंस और क्लोजेज में भी ये आता है। अफोरा रिटोरिक द रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोज, द फॉलोइंग वर्क इज नॉट एसोसिएटेड विद मैथ्यू एर्नोल्ड, मैथ्यू एर्नोल्ड का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है, इनमें से मैथ्यू एर्नोल्ड का कल्चर एंड एनवायरमेंट नहीं है, डॉवर बीच इनकी बड़ी फेमस पोयम रही है, एम्पीडोकल्स ऑन एटना और थायरेसिस तो इन्होंने एक एलजी लिखी थी जिसे हम पेस्टोरल एलजी बोलते हैं, पेस्टोरल एलजी का मतलब होता है इसमें कोई गडरिया अपने साथी गडरिया की मौत पर कुछ गाने गाता है तो उसको पेस्टोरल एलजी बोलता है, और अगर कोई भी गाने गाता है तो उसे सिंपल एलजी बोला जाता है। थायरेसिस एडोनोसिस है ना, ये सारे के सारे उदाहरण है पेस्टोरल एलजी की, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। द वेस्ट लैंड कब पब्लिश हुआ था, वेस्ट लैंड टी एस एलियट का 5 पार्ट में पब्लिश हुआ था ये 1922 में, मॉडर्न लिटरेचर की बुक माना जाता है, द वेस्ट लैंड टी एस एलियट की पोएम है, 1922 में पब्लिश हुई थी, 434 लाइन की। टी एस एलियट का एक क्राइटेरियन नाम का मैगजीन था जिसमें ये पब्लिश हुई थी, और अमेरिका में द डायल नाम के एक मैगजीन में पब्लिश हुई थी, द डायल एंड एलियट्स क्राइटेरियन। द वेस्ट लैंड में उनकी जो फेमस लाइन है टी एस एलियट की, द अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, आई विल शो यू फियर इन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट, मैं तुम्हें एक मुट्ठी रेत में डर दिखा सकता हूँ, और शांति शांति शांति, ये तीन वर्ड वो अपनी कविताओं में यूज क्या करते थे। द वेस्ट लैंड में संस्कृत है क्योंकि उनका संस्कृत तो हिंदू माइथोलॉजी में भी विश्वास था, तो ये शांति 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 वहां पर बोला करते। द फाइव पार्ट्स ऑफ द वेस्टलैंड आर एंटाइटल्ड, 5 पार्ट कौन से हैं,
देखो मैंने आपको बताया था ब्यूरियल, जब कोई मर जाता है तो उसे दफना देते हैं, तो वे दफनाए हुए लोग एक दिन रात को गेम ऑफ चेस खेल रहे थे, तभी वहां पर फायर का सरमन हो जाता है, फायर का अलार्म बज जाता है कि फायर लग, तो ये डेथ्स वाले लोग वाटर से बुझाएंगे, और व्हाट द थंडर सेड्स, जो थंडर है आसमान में वो क्या कहता है उसके ऊपर डिपेंड है। ये पांच पार्ट द वेस्ट लैंड के इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट है द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद होम, एसटी कॉलेज, रॉबर्ट सुदे, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एसोसिएट होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिज्म की शुरुआत लेक पोएट में रहने वालों ने की, ठीक है। कॉकने स्कूल ऑफ पोएट, ये कमेंट किया गया था लंदन बेस्ड रोमांटिक पोएट्स जॉन कीट्स पर, ली हंट और सीबी सेल, ये तीनों कोकने स्कूल ऑफ पोएट कहलाते हैं। जैसे लेक पोएट में एस टी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, और आपका चार्ल्स लैम भी थे उसमें, वर्ड्सवर्थ की सिस्टर भी थी वैसे तो। इसी तरह कोकने स्कूल ऑफ पोएट्स में तीन मेजर जो नाम आते हैं वो हैं जॉन कीट्स, ली हंट और पी बी शेले। देयर वॉज फर्स्ट यूज इन स्कैटरिंग रिव्यू इन ब्लैकवुड मैगजीन, ब्लैकवुड मैगजीन ने पहला रिव्यू दिया था और इन्हें अप स्टार्ट क्रो भी कहा था, और तब इन्होंने कहा था कोकने स्कोर, ये काफी परेशान भी हुए थे और 4 साल बाद ही ये मर भी गए थे जॉन कीट्स। एसे ऑफ इलिया, एसे ऑफ इलिया में क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट है, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट। मिल्टन सैमसन एगोनाइस इज व्हाट, मिल्टन सैमसन एगोनाइस एक क्लासिकल ट्रेजेडी है, सैमसन की डेथ पे उन्होंने लिखा था, ग्रीक ट्रेजेडी से रिलेटेड है। गो गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स, दिस अकर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट, गुड फेंसेस, जहाँ पे अच्छी बाड़े लगे होंगे यानी कि काटे वाटे लगे होंगे वहाँ के नेबर भी अच्छे होंगे, नेबर अच्छे क्या होंगे, वो घुस तो सकते नहीं, नहीं तो कांटे लग जाएंगे, तो उन नेबर को अच्छा भी कहा जाता है। मैंडिंग वॉल ने ये बात कही थी, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ इजकिल, निसिम इजकिल, निसिम इजकिल ने टाइम ऑफ चेंज को लिखा था, निसिम इजकिल की फेमस पोयम है, 60 पोयम्स में 1953 में लव सेक्स के बारे में लिखा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वेद ओरिजिनली जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, द थर्ड द अनफिनिश्ड मैन, एग्जैक्ट नेम निसिम इजकिल की कुछ फेमस किताबें हैं। इजकिल की बुक्स है स्नेक स्किन एंड अदर पोएम्स 1974 में, मराठी पोएट इंदिरा संत के साथ इन्होंने ट्रांसलेट की थी। 1976 में हाइमंस इन डार्कनेस, लेटर डे पसाल 1982 में लेटर डे पसाल्म्स लिखी थी, और कलेक्टेड पोएम 52 से 88 तक जो पोएम इन्होंने लिखी उन्हें 1989 में कलेक्ट करके इन्होंने छपाया था। एडिटर एन इमर्सन रीडर, ए जोसेफ किंग रीडर, अनदर इंडिया, एपोलॉजी ऑफ फिक्शन एंड पोएट्री, इनके कुछ फेमस वर्क, कपल, एंटरप्राइज, टाइम टू चेंज, फिलोसफी, आइलैंड, इल्काना, प्रोफेसर, सोप, मैरिज, इन द कंट्री कूट, हाउ द इंग्लिश पोएट्स एंडेड हियर, द पैराडाइज फ्लाई कैचर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इनकी फेमस पोएम्स हैं, गुड बाय पार्टी ऑफ मिस स्पॉटियस, एंटरटेनमेंट, बैकग्राउंड कैजुअलिटी, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ, मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या था, देखो गर्ट्रूड तो था नहीं, गर्ट्रूड तो हेमलेट की माँ थी, शेक्सपियर की वाइफ, मैक सॉरी शेक्सपियर के सीरियल मैकबेथ की वाइफ थी ग्रूच, इधर फोर्थ विच भी कहा गया ग्रूच, GRUOCH, हेमलेट की वाइफ थी, कालू पूर्णिया सीजर की वाइफ थी, ये तीसरी थी, पोम्पिया सीजर की वाइफ रही है, और कॉर्नेलिया
कालू पूर्णिया पोम्पिया कॉर्नेलिया, ये तीन वाइफ रही हैं जूलियस सीजर की, कालू पूर्णिया पोम्पिया एंड कॉर्नेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल लैंड। हाइपर बोले, इस छोटे से हाथ को पूरे अरब के सुगंध भी स्वीटन नहीं कर सकती, मीठा नहीं कर सकती। बस अभी आज के लिए यही पार्ट लेंगे, 45 क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट मैं अभी आपको दूंगा थोड़ी देर में, है ना? ओके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और इंतजार करें इसके सेकंड पार्ट के लिए, अभी थोड़ी देर में आपको उपलब्ध हो जाएगा जल्दी। बाय बाय।